You go the light roller in the subcontinent. Good! Have a look at that. That one's straight. Is it straight enough? Yes. Pakistan record their victory. मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं फैब अलवी और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम साहब, मशहूर प्रोग्राम स्कोर के प्रोड्यूसर। कैसे हैं खुर्शीद भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक आपका इम्तिहान है छोटा सा, एक पहेली पूछता हूं। क्या इम्तिहान है? पहेली ये है कि एक खिलाड़ी बैट्समैन, ताल्लुक साउथ एशिया, 5 साल क्रिकेट खेली, बड़ा नाम कमाया, टीम को वर्ल्ड कप जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में फ्लॉप हुआ, बाहर निकाला गया, दूसरा खिलाड़ी आया, डेब्यू पे उसने सेंचुरी मारी और उसके बाद ये खिलाड़ी जो बाहर हुआ बाहर ही रहा, आने वाले ने सेंचुरी स्कोर की और उसने आगे भी सेंचुरी स्कोर की और ज़्यादा बड़ा नाम बन गया। जवाब आता है आपको? यकीनन, ये आप कोई 1950 की बात कर रहे होंगे जिसका जवाब मुझे नहीं आता। बिल्कुल, आइए ये हम आपको बताएंगे टाइटल के बाद। देखिए खुर्शीद आलम, आपके और बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिमाग में यहाँ पर बाबर आजम का नाम आया होगा, बाहर हुए, कामरान गुलाम आया, ये देखिए आप लोग की कम पढ़े लिखे होने की एक सबूत है। देखिए ये प्रॉब्लम ये कि आमिर ने जिस तरह कहा है ना, मोहम्मद आमिर ने, आपको पता है ना कितना पसंद है मुझे मोहम्मद आमिर, उसने जिस तरह कहा है कि बाबर की बात है, बाबर को कुछ ना कहो, तो मैं बाबर को कुछ नहीं कह रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब संदीप पाटिल साहब की, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 1979-80 की सीरीज में डेब्यू किया, 1984 तक वो खेले, इंडिया को 83 का वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्हें ड्रॉप करके अजहरुद्दीन को खिलाया गया, जिसने फिर पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। मैंने कहा था 1950 की बात है, पैदा आप भी हो चुके थे बेटा, ऐसी बात नहीं है, 1950 की बात है भाई, ये बता रहा हूँ आपको मैं, आप तो हो गए बस आपकी जवानों के दौर से निकल चुके हैं, आप बुढ़ापे की तरफ हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैसे हमारा पिछला प्रोग्राम शायद देखा है लोगों ने, क्योंकि एग्रेसिव वाली जो हमने बात की थी कि एग्रेसिव होंगे तभी जीतेंगे, और एग्रेसिव होके दिखाया पाकिस्तान ने। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एग्रेसिव भी हुआ और जाहिर बात है जो काफी अर्से से ये बात कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या चीज है, स्ट्रेंथ जो है आपके उस स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलेंगे, वो स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी बैटिंग या बॉलिंग के मुताबिक नहीं बल्कि आपके सरफेस पर किस तरीके के कामयाबी हासिल कर सकते हैं आप, एशिया में किस तरह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आपको पता है कि सूरत हाल वही है कि स्पिन ट्रैक बनाकर, और यही हुआ, आपने स्पिन ट्रैक बनाया, आपने उसके साथ गए और देखने 4 दिन में जो है वो बल्कि 3.5 दिन में रिजल्ट आ गया आपके लिए, तो हिकमत एमली भी पिंडी में यही नज़र आ रही है जिस तरह वहाँ पिच ड्राई की जा रही है, और यकीनन लोग क्रेडिट दे रहे हैं आकिब जावेद को, आकिब जावेद को क्रेडिट देना भी चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि उनकी इंक्लूजन जो है सिलेक्शन कमेटी में, एक तो उन्होंने जो है वो अथॉरिटी मांगी, वो सिर्फ जॉब करने नहीं आए, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ जॉब करने आ रहा हूँ कि मुझे जॉब दे दो और ये कर दो या TADA दे दो या जो है मुझे होटल में ठहरा दो, नहीं, वो लाहौर कलंदर एक बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज है, वो उनको हर तरह की सहूलत दे सकती है इस मामले के अंदर, उन्हें कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो जो अपना जो आइडिया वो पिच पहले भी करते रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और तो वही उन्होंने आइडिया यहाँ पे किया और उनको अथॉरिटी दी। ये देखें चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी की बात ये थी कि उन्होंने इस चीज़ की अथॉरिटी दी और उन्होंने उसको कबूल किया, और फिर वो कोच और कप्तान जैसन ग्लेस्पी और कप्तान उससे भी ऊपर अथॉरिटी दे दी, हत्या कि जो दूसरा टेस्ट सिलेक्ट हुआ है उसमें भी सिलेक्शन में जो किरदार है वो आकिब जावेद का रहा है। यार ये बताओ भाई, जो सर्जरी 1 तो हो गई, जैसे हमारे मुआशरे का एक बिल्कुल अक्स नजर आया कि इधर डंडा हुआ, उधर कोने में खड़ा किया कि चल दीवार की तरफ मुख रहे खड़ा हो और सोच क्या किया तूने, और नए बच्चे आए और हो गया, लेकिन सर्जरी 2 जो है
जो पिछले 4 साल से आप अपने मुल्क में जीत ही नहीं रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? जो अजहर महमूद ने एक इंतहाई बेवकूफ़ी की बात की थी कि हम इसलिए नहीं जीतते कि हमारे पास हम स्पिन विकेट्स इसलिए नहीं बनाते कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, और 52 साल के बाद मतलब पहली बार दो स्पिनर्स नहीं, बल्कि वो तो खैर दो बॉलर्स ने 20 विकेट्स शेयर किए हैं। अजहर महमूद का कौन गरेबान पकड़ के पूछेगा कि इतनी बेवकूफ़ी की बात, या वो सकलेन मुश्ताक की बात के दिन दिन होता है, रात रात होती है, जीत जीत होती है, कुदरत का करिश्मा क्या था वो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कौन रखता है यार, कौन रखता है यार? देखिए ये ना हमारी सोसाइटी का बड़ा मजनी अजीब सा बिहेवियर है कि हम जो है वो जुगाड़ ताल्लुकात और उसके बगैर ना वो काम हमारे यहाँ होते नहीं है। ये ऊपर सतह पर भी बहुत ज्यादा है, ये नीचे सतह पर भी होता ही है। अब मोहल्ले का काम करवाने हो, कुछ और करना हो, किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो, कुछ करना हो, ये अजीब सूरत हाल हो गई है। अब असल मसला ये है कि पॉलिटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं ये लोग, और पॉलिटिकली कनेक्टेड से अब तो जाहिर बात है अथॉरिटी किसी और के हाथ में चली गई है। अगर आप वहां से फोन करवा देते हैं तो मामला तो और सेटल हो जाते हैं। तो ये जो है ना बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अजहर महमूद घूम फिर के वापस आ जाते हैं। देखिए एक नाकामी होती है, नेक्स्ट वोट चेंज होता है, फिर आ जाते हैं। इसी तरीके से वापस आ जाते हैं। बेसिकली ना ये लोग अपने स्टारडम से निकल नहीं पाते हैं। वकार यूनुस के साथ तो हमेशा यही मसला रहा है कि वो स्टारडम से निकल नहीं पाया है, और वो ये होता है कि वो फिर क्रिकेटर्स के साथ जो खेल रहे होते हैं वो जब स्टार बनना शुरू करते हैं तो उसका मुकाबला शुरू हो जाता है। तो ये अजीब सी सूरत हाल है ना। आप कोच हैं, अब जैसे क्रिस्पी अगर शुरू कर दे या आसिफ जावेद शुरू कर दे बाबर आजम से या शाहिन शाह अफरीदी से या नसीम शाह से मुकाबला, कि बड़े स्टार है मैं उनसे मुकाबला करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। अब और दिलचस्प बात देखें, सिलेक्शन कमेटी में पहले कोच और कप्तान को वोटिंग राइट्स थे, अब वो नहीं है। पहले नॉन वोटिंग मेंबर्स होते थे 4, अब वो भी नहीं है, जिसमें अजहर महमूद भी शामिल थे। तो इट्स मीन्स कि आप अथॉरिटी दे रहे हैं किसी एक शख्स को, वो जिम्मेदारी भी लेगा इस चीज़ की। उसके अगर डिसीजन सही होंगे तो वो जिम्मेदार वही होगा, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और अगर उसके डिसीजन सही नहीं होंगे तो कसूरवार भी वही होगा। अब आप होता ये कि आप असिस्टेंट कोच बन के बॉलिंग कोच बन के आ जाते हैं, अपनी बेतुकी सी बातें करते हैं, कोच कोई और होता है ब्लेम उस पर जाता है, कप्तान कोई और होता है ब्लेम उस पर जाता है, हरकतें आपकी खत्म नहीं होती। भाई आप जो अपना काम करने आए हैं वो करें, आप जो ये जो अफलातूनी झाड़ते हैं ना, और अफलातूनी भी ऐसे झाड़ते हैं कि कमाल हो जाता है। अब बेसिक वो मुबशिर लुकमान ने उस दिन जो है वो एक वीलॉग किया है, और बड़े उसमें उसने बातें की हैं, खैर कुछ पर्सनल बातें भी की हैं लगा बात है, लेकिन उसमें उसने एक बात की है कि अजहर महमूद ने उसे बोला था कि जो है वो मैं शोकॉज नहीं भिजवा रहा हूँ, कह रहा अब तक कुछ नहीं भिजवाया। तो ये मुंह के फायर करने के ज्यादा आसान होते हैं, करना वरना कुछ होता नहीं है इनको। अच्छा ये वाइट बॉल कैप्टन का क्या है, अभी ऐलान होने वाला है इसी हफ्ते? जी ऐलान होने वाला है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस यार जो खबरें हैं या जो स्पेकुलेशन लोग कर रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान के बारे में ज्यादा की जा रही है। अब ये एक हल्का उसको बनाना चाहता है मोहम्मद रिजवान को, तो अलहदा बात है, लेकिन मसला ये है कि मोहम्मद रिजवान के साथ देखें आपके साया वाला इशू भी था, इंतजाम वाला इशू भी था, फिर मैनेजर्स वाले इश्यूज भी हैं। तो आपको या तो उसको टोटली पैगाम देना पड़ेगा कि आप इसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, आप बाइस नहीं होंगे किसी चीज के बारे में, बाइस अगर हो जाएगा तो क्योंकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए यूट्यूब पर, लेकिन बहरहाल वो अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं और उनकी पॉलिसी उनकी जो हिकमत होती है उससे भी नजर आता है। अगर आप मुल्तान सुल्तान की टीम उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल में 8 से 9 खिलाड़ी जो थे मुल्तान सुल्तान में वो खैबर पख्तूनख्वा से थे। ऐसा नहीं है कि केपीके में टैलेंट ज्यादा है और पंजाब में ज्यादा नहीं है, हर जगह टैलेंट मौजूद है, लेकिन अगर आप इस तरह की वो करते हैं ना तो फिर ये आपका कुछ ना कुछ दिखाता है। फिर उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि केपीके के खिलाड़ी से ज्यादा आ रहे हैं कि वो ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा जफाकश होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। तो भाई पहलवान तो मेरे ख्याल में पंजाब से निकलते हैं, उनसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? ये तो कोई वो नहीं है ना। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉबी चलती है और उस लॉबी को नहीं चलना चाहिए। ये जो जो लॉबी बन रही थी जो प्लेयर पावर बन जाती है और फिर दूसरे सपोर्ट करते हैं, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए।
आप नेशनल खिलाड़ी हैं, नेशनल टीम है आपकी, पाकिस्तान की टीम है, आपको बहरहाल बिया पाकिस्तानी, आपको जहां से टैलेंट मिले करें ना, आप सिंधी ना पंजाबी ना पठान ना बलोच ना महाजिर ना कोई और कौम, आप बेसिकली क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान किसी भी, के किसी भी खास हाँ किसी भी खास इस चीज को स्पेसिफिक करके उसको मतलब शहजाद खान की बहुत मशहूर किताब जो उन्होंने लिखी है, आपको पता है इंतजाम के बारे में क्या कुछ लिखा है उन्होंने, जबकि इंतजाम उनके कामयाब कप्तान रहे उस दौर में, लेकिन वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने इंतजाम उलग के बारे में क्या क्या बातें की हैं, कि वो किस तरीके से एक खास तबके को जो है वो इन्फ्लुएंस लाना चाहते थे टीम के अंदर। तो ये जो है ना ये नहीं होना चाहिए, क्रिकेट मतलब कोई क्रिकेट कोई ही क्रिकेट कोई मतलब बोले 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 सर भाषण आप खत्म कर ले तो हम जरा कुछ बोल ले। नहीं मैं कह रहा ना वो जो शहरयार खान ने बात की थी उसमें मतलब हमारे यहाँ क्रिकेट को लोग जो है ना वो मजहब से ज्यादा जोड़ देते हैं खेल को, बिल्कुल मजहब से क्या नहीं नहीं वो चीजें देखनी पड़ेगी। देखो जो होता है बस पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान को जिताए यार, बहुत दिन हो गए जीतते देख कर, बस वही है और उम्मीद, वरना इंडिया सबसे बेहतरीन टीम है उनका मजहब सही होना चाहिए, ये तो मजहब तो अपन साथ ही मामला है ना, इसके तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये ठीक है, छोड़ दीजिए, बहुत पर्सनल बात हो जाएगी, इसको देखते हैं ठीक है, इसको इसको करते हैं फिर आगे और दुआ करते हैं क्या सीन है, और फिर आपसे अगली मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू खुर्शीद भाई, अल्लाह हाफिज़।